जब से भाई बाइक लिए ना, अपने लिए शॉपिंग करने के लिए बजट ही नहीं रहता है। अपना जो गोप्रो है ना वो यहीं पे सेट रहता है। शॉपिंग वगैरह करनी है, कपड़े जूते वगैरह लेने हैं। ये पैंट हमने पसंद की है, देखो यहाँ पे। अभी हम पूरा जो गिरी नदी है ना उसके साथ साथ राइड कर रहे हैं। इतना बड़ा पत्थर आया ना भाई, मरते मरते बचे। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी करीब दोपहर के लगभग 1 बज रहे हैं और आज अपनी तैयारी है सोलन जाने की। तो सोलन इसलिए जा रहे हैं ना क्योंकि भाई थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करनी है, कपड़े जूते वगैरह लेने हैं। ज्यादा तो नहीं लेंगे भाई, एक आधी पैंट ले लेंगे, एक आधी जूते की जोड़ी ले लेंगे। सीन ऐसा है ना, जब से भाई बाइक ली है ना तो बाइक के खर्चे ही इतने हैं, अपने लिए शॉपिंग करने के लिए बजट ही नहीं रहता है भाई। अभी फोन लिया ना, फोन की वजह से भी सारा बजट हिल गया है भाई। बाइक का काम भी नहीं हो पा रहा है, टायर इसके दोनों पेंडिंग है, वो तो शुक्र है। अभी थोड़ा सा घर का काम भी चला हुआ है, मतलब नर्सरी वगैरह डाल रहे हैं हम, सीजन की तैयारी कर रहे हैं, और अभी राइड भी प्लान नहीं हो रही है। चलो जब तक राइड प्लान होगी ना तब तक बढ़िया से टायर डलवा देंगे। अभी लोकल में चलाने के लिए तो बढ़िया है, साथ में आशीष भाई भी जा रहे हैं देखो, और आशीष भाई स्टिंग ले आए। आशीष भाई को बहुत अच्छी लगती है। मौसम की बात करें तो मौसम बहुत ही बढ़िया है, देखो हल्के हल्के बादल हैं, कल से बारिश बता रखी है, तो देखते हैं भाई कैसे सीन रहते हैं। चेन इसकी ड्राई हो रखी है, तो अपने पास इंजन ऑयल है ना, उसी से इसको थोड़ा सा ल्यूब कर देते हैं, क्योंकि ड्राई चेन ना चलानी चाहिए, क्लीन करने को भी आ रखी है। थोड़ा सा वार्म अप हो रहा है बाइक, बाकी बाइक बहुत ही सुंदर है भाई अपनी, देखो अपने को तो बहुत मस्त लगती है। बस एक दिक्कत है, टायर वगैरह अगर इसमें लग जाए ना तो काफी गजब लगेगी। ब्लैक रंग है भाई, एवरग्रीन बाइक है भाई, प्यार है अपने को अपनी बाइक से। बाकी अब देखो ना, कोई झंझट नहीं है, अपना जो गोप्रो है ना वो यहीं पे सेट रहता है और फोन से हम बढ़िया ब्लॉग कर सकते हैं। तो अब कहीं रुक के आपको कुछ दिखाना हो ना तो गोप्रो निकालने की जरूरत नहीं है, ये बेस्ट बात है। बाकी एक ब्लॉग मैंने और रिकॉर्ड किया था ना, उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी फुटेज में, नहीं तो रेगुलर मैं कोशिश कर रहा हूँ ब्लॉग डालने की। फ़ोन से ही आजकल मैं एडिट कर रहा हूँ, थोड़ा सा एडिटिंग में फ़र्क तो है ना, और स्टेबलाइजेशन में भी फ़र्क है। गोप्रो तो गोप्रो है भाई, और लैपटॉप की जो एडिटिंग है ना वो लैपटॉप की है। पर ज़्यादा देर ना करते हुए ना चलते करते राइड की शुरुआत, और बाकी बातें आपसे चलते हुए करते हैं। जय शंकर जय भगवती, भगवान का लाभ लेके करते आज की राइड की शुरुआत। सोलन जाने के हमारे घर से दो रास्ते हैं, एक गिरपुल होते हुए सोलन और एक इस तरफ से जो चायल होते हुए सोलन के लिए रोड जाता है। गिरपुल वाला रास्ता ही हम प्रेफर करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि इस तरफ से मार को थोड़ा सा शॉर्ट पड़ता है, मतलब लगभग हमारे 45 मिनट बच जाते हैं, और लेट काफी हो चुके हैं, 1:30 तो भाई यहीं बजने वाला है हमारा। भाई चलान करवाएगा तू? रविंदर भाई आ गया है देखो अपना, 2-3 किलोमीटर आगे जाना है भाई इसने। अभी हम पूरा जो गिरी नदी है ना उसके साथ साथ राइड कर रहे हैं। हमारे लेफ्ट साइड में गिरी नदी है और उस तरफ को वहाँ पे शरगांव गांव है, वहाँ पे शरगांव है उस जगह का नाम। यहाँ पे पहले ना देखो उस नाले से जाना पड़ता था, अब पुल लग चुका है, भ्राग नाला इस जगह का नाम है, और आज फर्स्ट टाइम हमने भी उद्घाटन कर दिया है अपनी बाइक से। इस पर से काफी मस्त पुल है भाई, और बरसात में ना यहाँ पे कई बार 2-3 दिन के लिए रोड बंद हो जाती थी, जैसे बह जाती थी रोड यहाँ पे नाले से ना, तो ये बहुत ही बेस्ट बात हो गई है। तो अपना रविंदर भाई का साथ यहीं तक का था, देखो ट्रैक्टर के लिए आया हुआ था भाई, बाड़े आया हुआ है, मतलब हल लगा रहा है कई लोगों के खेत में। ठीक है रविंदर भाई है, तो गौड़ा पहुंच चुके हैं भाई, और यहाँ पे देखो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करवा रखा है, 3-4 टूर्नामेंट हो जाते हैं भाई सर्दियों में यहाँ। और सड़क में देखो भाई यहाँ पे जाली वगैरह लगा रखी है ना, क्योंकि बॉल ऊपर से आती है ना तो नदी में चल जाती है, बॉल मिलती नहीं है फिर, इसलिए जाली वगैरह लगानी पड़ती है। तो ये रही भाई गिरपुल मार्केट, इस तरफ को जब हम आते हैं ना तो यहाँ से भी कई बार जरूरत का सामान ले जाते हैं, काफी बड़ी तो नहीं बोल सकते ना, पर मैक्सिमम जरूरत की चीजें मिल जाती है यहाँ, और हमारे घर से ये लगभग 28 से 30 किलोमीटर के आसपास है। साथ में देखोगे ना भाई यहाँ पे बहुत तगड़ा पहाड़ है, लंगूर एक बार इसमें ऊपर हरकत कर रहे थे ना, और इतना बड़ा पत्थर आया ना भाई, मरते मरते बचे हम। एक बार गाड़ी में सोलन से घर की तरफ आ रहे, साथ में गिरी नदी बह रही है बहुत ही सुंदर। सो फाइनली भाई सोलन तो पहुंच चुके हैं। शेल्फ के लिए आशीष भाई शीशा ले रहे, देखो रेक मार से इसके कोने है ना जो वो साफ किए जा रहे हैं। तो इसके बाद जाएंगे भाई शॉपिंग शॉपिंग करने ना, मॉल रोड पे देखेंगे कोई दुकान बढ़िया सी, तो भाई यहीं पे लगाते हैं नीचे रेलवे स्टेशन वाले रोड में। तो बढ़िया से भाई पार्किंग मिल चुकी है यहाँ पे, चलते हैं मार्केट की ओर। तो भाई देखो ये पैंट हमने पसंद की है देखो यहाँ पे, और इसकी थोड़ी सी लेंथ करवाएंगे अभी इन भाई से लिए देखो। तो भाई देखो पेंट तो हमने दे दिए देखो फिटिंग के लिए, थोड़ी देर में वो भी आ जाएगी। बिल रहा हुआ था भाई फोन का ना, वो ले जा रहे हैं अब। तो ये भाई बिल देखो अपना, अमाउंट अगर देख पाओगे इसमें। अभी भाई बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं जूते लेने के लिए, और बिल लेना ना भाई बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर बिल ना हो ना अपने पास तो मतलब आप रिपेयर भी नहीं करवा सकते फोन को अच्छे से। गारंटी गारंटी में चाहिए भाई फोन ना, केयर में अगर आप जा रहे हो ना ठीक करवाने, ऐसा सीन है कुछ।
टाइम अभी लगभग 5:30 हो चुके हैं और नो एंट्री हो गई है भाई। टाइम का पता ही नहीं लगा, घर से भी काफी लेट आए थे भाई। और पेंट से महंगे तो भाई अपने को ना शूज पड़े हैं भाई, महंगाई बहुत है पर अपन सस्ते में ही करते हैं, ज्यादा महंगा लेते नहीं है भाई। रेलवे स्टेशन वाले रोड में अपनी बाइक, तो वहां से लेंगे बस सर, निकलेंगे भाई घर। तो भाई देखो फिटिंग भी अपनी हो चुकी है, ये देख सकते हैं भाई किसी ये लास्ट काम था भाई, इन भाई की दुकान है भाई यहाँ पे। मैक्सिमम सामान हम यहीं से ले जाते हैं भाई, काफी बजट में मिलता है यहाँ पे सामान। तो अभी गुलाब जामुन खाने के लिए रुक गए थे, टाइम अभी लगभग 6:00 और अब चलते हैं घर की साइड। रास्ते में थोड़ा सा काम और, आशीष भाई को कटिंग करवानी है कोटलाडाणा में, और भाई घर से फोन आ रहे हैं। कसम से आजकल घर वाले तो नाराज ही रहते हैं भाई, और अगर तो ऐसा पता लग गया ना पापा को कि भाई फिर से शॉपिंग करने गया था, अभी भाई फोन ही इतना महंगा आया है ना, तो भाई शामत आ जाएगी। तो इस तरफ को नो एंट्री हो रखी है, नो एंट्री का मतलब 2-3 घंटे ना इसमें ट्रैफिक अलाउड नहीं होता है लोगों को चलने के लिए, ये मॉल रोड खुला होता है। भाई मिल गया भाई कॉलेज का दोस्त, ठीक है कहाँ घूम रहा, आ गया छुट्टी करके। तो आशीष भाई ने कोटला नाला में कटिंग भी करवा दी है, और अब चलते हैं भाई घर की तरफ, ठंड भी काफी हो गई है। 7:00 यहाँ पे भाई घर में डांट, ओ भाई साहब कुत्ता आ गया था भाई बाइक के नीचे। तो अभी हम कल्याणा पहुंचने वाले हैं, और रोड थोड़ा सा कच्चा आ रखा है, और इस तरफ को ना भाई बहुत सारी लाइट्स दिख रही है। इस टाइम दिन को तो बिल्कुल भी नहीं लगता है भाई कि इतनी आबादी होगी इस टाइम पर, रात को लगता है कि इतने सारे घर इतनी सारी लाइटें। तो फाइनली भाई रात के लगभग 9:00 हैं, और अब जाके हम घर पहुंचे। दही रोटी और हरी सब्जी के साथ अपना डिनर हो रहा है, और बढ़िया से मस्त देखो आग जली है यहाँ पे। और आज की इस वीडियो को भी ना यहीं तक रखते हैं, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।